नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ IPL 2021 के 11वें मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में 18 अप्रैल 2021 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों अगर आप इस मैच के एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो सुल्तान क्रिकेट एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफी बेटर है। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। दोस्तों ये अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है 3 विकेट से और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे इनके बैट्समैन है। मार्क स्टोइनिस, क्रिस वोक्स, रविचंद्र अश्विन इनके ऑलराउंडर प्लेयर है। कगिसो रबाडा, टॉम करन, आवेश खान इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। बात करते हैं दोस्तों इनके लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बारे में। ऋषभ पंत ने 51 रन बनाए थे और ललित यादव ने भी 20 रन बनाए थे। और दोस्तों कगिसो रबाडा ने 2 विकेट लिए थे, आवेश खान ने 3 विकेट लिए थे। बात करते हैं दोस्तों इनके अपोनेंट टीम पंजाब किंग्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है 6 विकेट से और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है। कप्तान केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, दीपक हुड्डा, निकोल्स पुरन इनके बैट्समैन है। शाहरुख खान, जे रिचर्डसन इनके ऑलराउंडर प्लेयर है। मुर्गन रश्विन, रिले मेरडिथ, मोहम्मद समी, अर्दीप सिंह इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। अगर बात करें इनके पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बारे में, बैटिंग में शाहरुख खान ने 47 रन की पारी खेली थी और जे रिचर्डसन ने भी 15 रन बनाए थे। और दोस्तों मोहम्मद समी ने 2 विकेट लिए थे और अर्दीप सिंह ने 1 विकेट लिया था। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में पिछले साल 2 मैच खेले गए थे, जिनमें से दिल्ली कैपिटल्स ने 1 मैच में जीत दर्ज की थी सुपर ओवर में, और दोस्तों पंजाब किंग्स ने भी 1 मैच में जीत दर्ज की थी। और दोस्तों लास्ट 10 मैचों में से पंजाब किंग्स ने 5 मैचों में जीत दर्ज किया और दिल्ली कैपिटल्स ने भी 5 मैचों में जीत दर्ज किया। और दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 26 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मैचों में जीत दर्ज की और पंजाब किंग्स ने 15 मैच जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का 231 रन का हाईएस्ट स्कोर है पंजाब किंग्स के खिलाफ और पंजाब किंग्स का 202 रन का हाईएस्ट स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। दिल्ली कैपिटल्स का 58 रन का लोएस्ट स्कोर है पंजाब किंग्स के खिलाफ और पंजाब किंग्स का 68 रन का लोएस्ट स्कोर है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मैचों में से 3 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि 8 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। और पंजाब किंग्स ने 5 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि 10 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। यार अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों यह मैच T20 स्पेशल ग्राउंड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां पर दोस्तों फास्ट बॉलरों के साथ साथ मीडियम साइज के तेज गेंदबाजों को भी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहां पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यहां पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं और दोस्तों बाद में ड्यू फैक्टर भी बढ़ जाता है, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 77 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 37 मैचों में जीत दर्ज किया और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 40 मैचों में जीत दर्ज किया। यहाँ का एवरेज स्कोर 166 रन है। यहाँ का हाईएस्ट स्कोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बनाया था 235 रन पर 1 विकेट पर। और दोस्तों यहाँ का लोएस्ट स्कोर है KKR का है 67 रन पर 10 विकेट का। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न है 150 के नीचे 20 बार, 150 से 169 के बीच में 17 बार, 170 से 189 के बीच में 28 बार और दोस्तों 190 प्लस यहाँ पर 12 बार स्कोर गया है। और दोस्तों आज की ड्रीम 11 टीम मैं आपको देने वाला हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि दोस्तों आज के दिन 2 मैच खेले जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने पहले मैच की वीडियो यानी कि 10वें मैच की वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, साथ में दोस्तों चैनल पर वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज 2 मैच खेले जाएंगे। और दोस्तों उस मैच को होने से पहले मैं इस मैच की ड्रीम 11 टीम आपको नहीं दे सकता। अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना यार, लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों वहां पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर आपको देता रहता हूं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है दिल्ली कैपिटल्स टीम ज्यादा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन दोस्तों पंजाब टीम भी कम नहीं है। दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है और दोस्तों दोनों टीम के जीतने के यहां पर चांसेस है। लेकिन दोस्तों हम पहले गूगल की प्रेडिक्शन यानी कि लोगों का क्या मानना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों लोगों का मानना है कि दिल्ली कैपिटल 57% इस मैच को जीत सकती है और पंजाब किंग्स 43% इस मैच को जीत सकती है, यानी कि गूगल की प्रिडिक्शन के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को 57% जीत सकती है। और दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार भी इस मैच को दिल्ली कैपिटल्स ही जीत सकती है। दोस्तों आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने सुल्तान क्रिकेट एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो यार, उनके नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।
और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर वहाँ पर सबसे पहले देता हूँ। साथ में दोस्तों वहाँ पर मैं ठोस होने के बाद में ड्रीम इलेवन टीम भी देता हूँ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों आपको पता है यार आज के दिन 2 मैच होने वाले हैं, 10वें मैच की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।